भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी का जवाब बेहद हास्यास्पद है। उन्होंने अपने घोटालों और अनैतिक कार्यों को छिपाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराने का बढ़िया फार्मूला ढूंढ लिया है। इनके मंत्रीगण तो खुद के किए कार्यों को बिना पेपर पढ़े बता नहीं सकते, ये प्रदेश क्या चलाएंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का उत्तर अत्यधिक हास्यास्पद था। वो खनिज आवंटन नहीं हुआ इसलिए केंद्रीय एजेंसियां छापा मार रही है, ऐसा करके एक सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कर रहे थे और ईडी या अन्य एजेंसियों के लिए वो कई बार अलग अलग तर्क दे चुके हैं। अत्यधिक हास्यास्पद उनका उत्तर था। उन्होंने शराबबंदी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, तेंदुपत्ता लाख से कम तोड़े गए, बोनस का वितरण नहीं हुआ, रेत की चोरी के बारे में, अवैध प्लाटिंग और भू माफियाओं के खिलाफ जो हमने उसे उठाए और इस सरकार में अवैध शराब जुआ सट्टा नशा जितना चल रहा है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर कोई बातचीत नहीं की और उनके सम्माननीय जो मंत्रीगण है उनको मैदान में उतारा गया था। विधायकों की तो कोई पूछ परख नहीं थी। तो मंत्रीगण उत्तर देने के बजाय नौकरशाही के दिए कागजों पर अपने विभाग में क्या काम किए हैं उसको भी वो बताने की स्थिति में नहीं थे, देख देख के पढ़ रहे थे। ऐसा लचक उत्तर सरकार की ओर से हमने कभी नहीं देखा। इस सरकार को अब जाना ही होगा इलेक्शन तक।